काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। सर्वर 15 एक पर्चे में करा देता हूँ क्योंकि अरे यार इकबाल भाई हो गया यार इकबाल भाई लाइव जा रहा है। सलमान थोड़ा सा एनआई ठीक करना। सलमान चलिए रोल सर। थोड़ी कुर्सी पीछे करो। संजय जी हमारे लेबर कमिश्नर शायद हो जाओ भाई शायद हो जाओ। श्रम मंत्रालय की तरफ से श्रम मंत्रालय को कवर करने वाले सभी प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और फोटो जर्नलिस्ट का मैं विभाग की तरफ से इधर से स्वागत और अभिनंदन। तो कुर्सी अलग क्यों कर दी बेटा तुम बैठ जाओ ना। नहीं बैठा आज तो एक प्रकार से पर्चा के लिए क्योंकि मेरे मंत्री बनने के बाद कभी सीधे चर्चा नहीं। ये पंखे का डायरेक्शन डायरेक्शन घुमाना। इस बीच में हम लोगों ने कुछ फैसले लिए पंखा इस तरफ घुमा दो। जैसे 2014 से अब तक असंगठित क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र हो जो नियम के मुताबिक 5 साल में वेज रिवीजन होना चाहिए वो 2014 से नहीं हुआ था। तो मैंने उसका निर्णय लिया है और 25% औद्योगिक क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों क्षेत्रों में मजदूरी बढ़ाने का फैसला हमने लिया था। और मुझे लगता है कि जितने भी क्षेत्रों में मजदूर काम करते हैं उनके वेलफेयर की चिंता करना उनकी सुरक्षा की चिंता करना ये मंत्रालय का काम है। टीम हमारे पास में जो है उसमें अभी बहुत रिक्तताएं हैं। वो रिक्तताएं मैंने किसी की रिपोर्ट में पढ़ी भी है। और दूसरे ग्रेड पर तो आश्चर्यजनक रिक्तता है इसलिए आते भी हमने क्योंकि अभी कोर्ट का मामला है तो हम सीधे प्रमोशन के उस रास्ते पर नहीं जा सकते। उसके प्रभार के माध्यम से हमने नीचे से ऊपर करने की कोशिश की है। वो जानकारी आपको डिपार्टमेंट में पारदर्शी ढंग से मिल जाएगी ताकि निचले स्तर से हम भर्तियां शुरू करें और हमारा मैन पावर हमारे पास में उपलब्ध हो ताकि हम बेहतर तरीके से मजदूरों के हितों की चिंता कर सके श्रमिकों के हितों की चिंता कर सके। मेरे पास में जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का काम करने का 4 वर्ष का देश का अनुभव है उस आधार पर मेरी रुचि भी इस विभाग में है। और इसी बात को लेकर एक मेरे मंत्री बनने के बाद हरदा की घटना घटी थी और जब मैंने उसको संज्ञान में लिया तो मैं बहुत भौचक था कि उसके पहले भी 2015 में जब दुर्घटना उसी जगह पर हुई थी तो जो हमारा अधिकारी था वो कोर्ट में गवाही देने नहीं गया इसलिए वो केस रिपोर्ट कर वो ठीक उसके तत्काल वादे पर वही घटना घटी। तो मैंने उस अधिकारी को तत्काल निलंबित किया था और साथ में तय किया था कि हम इसे समय सीमा के भीतर चार्जशीट देकर क्योंकि न्यायालय का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्ट्रांग है फिर भी चूंकि एक प्रशासनिक प्रक्रिया करनी चाहिए कि कोई न्यायालय में ना जाए कि सब हमको नहीं सुना गया लेकिन उसमें भी जो विलंब हुआ है कल मैंने उस पर भी कार्रवाई की है। और मैं आपके सामने कहता हूँ कि ऐसे लोगों को सेवा का अधिकार नहीं है और इसलिए उनसे अवसर मांगा गया है कल उनको चार्जशीट दी गई और जिनने इसमें विलंब किया उनके खिलाफ भी मैंने कल कार्रवाई की है उच्च अधिकारी। एक और संज्ञान हमें जो मीडिया के माध्यम से आया था कि भोपाल में जीवित लोगों को संबल का लाभ दे दिया गया उसको मैंने अपने पीएस को कहा था उन्हें संज्ञान में लिया और कल
निगम के साथ 6 अधिकारियों को निलंबित किया गया है। तो मैंने कल ही निर्देश दिए थे कि हमको रिकवरी के लिए निगम कमिश्नर को पत्र जाना चाहिए हमारी तरफ से कि आप जो कार्रवाइयां करते हैं, क्रिमिनल केस की FIR करते हैं, वो आपका जुरिडिक्शन है, लेकिन संबल का भुगतान चूंकि श्रम मंत्रालय के पैसे से होता है और इसलिए मैंने ये कार्रवाइयां की हैं। मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि ये गरीब के हितों का मामला है, कभी भी आपके तरफ से कोई समाचार छपेगा मैं उसे सूचना के तौर पर लूंगा, शिकायत के रूप में नहीं लूंगा। ये अनुभव आपको भविष्य में दिया जाएगा, आप मामले उठाएंगे क्योंकि आप इस बीट को देखते हैं मंत्रालय की। तो मेरे पास मैं कटिंग बन बुलाने की जो नियमित प्रक्रिया मेरी है उसको और तेज करूंगा ताकि मुझे सुबह मिल जाए। पहले मैं इनिशियली आपसे बात करूंगा जिसका समाचार होगा या जिस जगह पर वो होगा, और उसके बाद हम तय करेंगे कि इसको कार्रवाई क्या करनी है। मुझे लगता है कि आज इतना ही मुझे कहना है, आप सब भोजन पर आमंत्रित। सर डॉक्टर गोविंद सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह मिलने को लेकर जो आपने वेजेस रिवाइज वेजेस की बात करी है वो क्या होगा सर, उसका क्या स्ट्रक्चर? मैं अभी आपको सर्कुलेट कर रहा हूँ उसके बेनिफिट 25% स्लैब रेट। सर हरदा मामले में ऐसा कहा जा रहा है वहाँ से फीडबैक आ रहा कि मुआवजा वहाँ पे कम मिल रहा है, उस दिशा में कुछ सोचा जा रहा है? अभी मैंने कल रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि मैं आइडेंटिटी को लेकर मैंने जो सवाल किए हैं अपने विभागीय अधिकारियों से मैं स्वयं संतुष्ट नहीं हूँ उसकी एक बात मैं आपको शेयर करता हूँ सर। एक प्लीज।